स्टूडेंट्स आज आपां अप्लाइड मैथमैटिक्स दा अगला चैप्टर पार्शल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सारे तो पहले इसकी डेफिनेशन, एनी एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। कोई भी अपने को पॉलीनोमियल्स जिहड़ियां ओवर दे विच प्रेजेंट होणगियां उन्हां नूं आपां फ्रैक्शन कहांगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस फोर ओवर एक्स स्केयर प्लस सैवन एक्स प्लस फाइव। न्यूमीरेटर भी एक पॉलीनोमियल आ, डिनोमीनेटर भी एक पॉलीनोमियल आ। एक होर एग्जाम्पल आ थ्री ओवर एक्स क्यूब प्लस सैवन एक्स प्लस नाइन। जदों भी पॉलीनोमियल्स अपने कोले ओवर दे विच गिवन होणगियां उन्हां नूं आपां फ्रैक्शनस कह सकते हैं। जिवें तुसीं नंबर दे विच पढ़िया होया वा सैवन ओवर फाइव, फोर ओवर सैवन, सो ऑन। अपने कोले दो तरीके दीआं फ्रैक्शनस नेगियां। फस्ट है जी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वह होगी जदों न्यूमीरेटर की डिग्री डिनोमीनेटर की डिग्री तो घट हो। इत्थे देखो न्यूमीरेटर दे विच मैक्सीमम पावर वन प्रेजेंट आ, डिनोमीनेटर दे विच मैक्सीमम पावर टू प्रेजेंट आ। न्यूमीरेटर की डिग्री एक आ, डिनोमीनेटर की डिग्री दो आ। न्यूमीरेटर की डिग्री जदों भी घट होगी तो उन्होंने प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाऊगा। एक होर एग्जाम्पल आ न्यूमीरेटर दे विच डिग्री टू प्रेजेंट आ, डिनोमीनेटर दे विच डिग्री थ्री प्रेजेंट आ। न्यूमीरेटर की डिग्री घट होनी चाहिए आ, डिनोमीनेटर की डिग्री ज़्यादा, उन्हां नूं प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाऊगा। सैकेंड है अपने को इमप्रॉपर फ्रैक्शन। इमप्रॉपर का मतलब होगा जां तां न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर की डिग्री सेम होवे जिवें फस्ट एग्जाम्पल दे विच, जां न्यूमीरेटर की डिग्री ज़्यादा होवे डिनोमीनेटर की डिग्री घट होवे, उन्हां नूं इमप्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाऊगा। दो तरीके दे क्वेश्चन आपां कोल चैप्टर च होणगे। इस तों बाद एक सिंपल जी एग्जाम्पल सुन लो। पहलां तुसीं स्कूल दे विच एलसीएम कीता वा, एलसीएम जदों भी तुसीं करदे हो, फॉर एग्जाम्पल थ्री ओवर एक्स प्लस फोर प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू। अपने कोले दो फ्रैक्शनस ने, दो फ्रैक्शनस नूं कंबाइन करन वास्ते आपां एलसीएम दी हैल्प लैने आ। एलसीएम दा सिंपल जिहा प्रोसीजर आ जिहड़ा तुसीं पढ़िया होया वा ऑलरेडी। दोनों डिनोमीनेटरस नूं डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई कर देईदा वा अगर डिनोमीनेटर डिफरेंट होण। सैकेंड दा डिनोमीनेटर फस्ट नाल मल्टीप्लाई करके लिख देईदा, प्लस फस्ट दा डिनोमीनेटर सैकेंड नाल मल्टीप्लाई करके लिख देईदा। बाद च इन्हां नूं सिंपलीफाई करके एक अपने कोल सिंगल फ्रैक्शन बन जाती है। एलसीएम दा काम सिर्फ इन्ना का कि दो जां दो तो ज़्यादा फ्रैक्शनस नूं कंबाइन करके सिंगल दे विच कन्वर्ट करना, यह सिर्फ एलसीएम दा काम आ। अपने चैप्टर दा नाम आ पार्शल फ्रैक्शन। पार्शल दा मतलब हुंदा ब्रेक करना। अपने कोल इस चैप्टर दे विच इस तरीके दी स्टेटमेंट होगी, इहनूं आपां ब्रेक करना होगा। जिन्ने भी पार्ट्स दे विच आपां ब्रेक कर सकते हैं, एलसीएम दा ओपोजिट ही अपना सारा यह चैप्टर। इस चैप्टर दे विच एक ही मैथड आ, एक ही मैथड दे नाल सारे दे सारे क्वेश्चनस अटैम्प्ट हो जाणगे। क्वेश्चन तीन चार तरीके दे होणगे, उन्हां नूं आपां टाइप्स दे विच वंडिया होया वा। सारियां तों पहलां जी टाइप नंबर वन। टाइप वन का मतलब आ वैन डिनोमीनेटर कंटेनस लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टरस। जदों डिनोमीनेटर दे विच सारे फैक्टर लीनियर होणगे, लीनियर का मतलब पावर वन, मैक्सीमम पावर वन, उस तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फैक्टरस की, तो फैक्टर रिपीट नहीं करूगा, उन्होंने टाइप वन का नाम लिखा हुआ वा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोनों पहले क्वेश्चन दे विच ही सारा चैप्टर समझ आ जाना वा, मैथड नूं ध्यान नाल समझ लियो। इस तों अगले क्वेश्चन दे विच सिर्फ थोड़ा जिहा ही चेंज आऊगा। जिवें फस्ट क्वेश्चन है रिजोल्व इन टू पार्शल फ्रैक्शनस टू एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री। आपां इहनूं पार्शल दे विच पार्शल अप्लाई करके इन्हां नूं फ्रैक्शनस दे विच ब्रेक करना होगा। डिनोमीनेटर देखो स्टेटमेंट दे विच डिनोमीनेटर दे पहले ही दो फैक्टर बने पए नेगे, अगर फैक्टर नहीं होणगे तां तुहानूं आप बनाउणे पैणगे। इस तों बाद सब तों पहलां तुसीं डिग्री चैक करनी है मैथड अप्लाई करन तों पहलां।
न्यूमीरेटर दे विच मैक्सिमम पावर 1 प्रेजेंट आ, डिनोमीनेटर दे विच जदों ब्रैकेट ओपन होगी एक्स एक्स नाल मल्टीप्लाई होके एक्स स्केयर बन जूगा, डिनोमीनेटर दे विच मैक्सिमम पावर 2 बन जानी है, न्यूमीरेटर दे विच मैक्सिमम पावर 1, उपर पावर घट आ थले पावर ज़्यादा वा, तो यह क्वेश्चन हैगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। सारियां तो पहले तो फ्रैक्शन चैक कर लेनी है प्रॉपर है ज इमप्रॉपर, जे प्रॉपर का क्वेश्चन होगा फिर अगे मैथड फॉलो करना। तो हुण मैथड दे विच सुन लो की करना होगा, डिनोमीनेटर के फैक्टर का ध्यान रखियो, फैक्टर ये बनाने थोनू आप भी पै सकते हैं, जो भी थोनू स्टेटमेंट गिवन आनू लैट कर लेना वा, ए ओवर एक फैक्टर मतलब एक्स माइनस टू प्लस बी ओवर नैक्सट फैक्टर एक्स प्लस थ्री, तुसी इन्हां नू इंटरचेंज भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फैक्टर ने तो ए ते बी लिखा वा, तीन फैक्टर होणगे तो प्लस सी ओवर तीजा फैक्टर भी आऊगा। इस इक्वेशन का नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 1। इस तो बाद राइट हैंड साइड ते एलसीएम करना वा, डिनोमीनेटर दोनों के डिफरेंट आ, दोनों डिनोमीनेटर मल्टीप्लाई करते, सैकेंड का डिनोमीनेटर ए नाल मल्टीप्लाई हो गया प्लस फस्ट का डिनोमीनेटर बी नाल मल्टीप्लाई हो गया। लैफ्ट हैंड साइड नूं सेम लिख देना वा, ध्यान नाल देखोगे दोनों पासे डिनोमीनेटर सेम बन गया, ये दोनों कैंसल कर दिओ, हरेक क्वेश्चन दे विच इदां ही होगा। इस तो बाद जो बच गया उन्हों दोबारा फिर लिख लो, इहदा नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 2। हुण अपना काम सिर्फ इन्ना का इस चैप्टर दे विच कि जिहड़े अपने अननोन लैट किए ये आपां फाइंड करने आ। इस क्वेश्चन दे विच सिर्फ अपने कोल ए ते बी आ, ये फाइंड करना अपना काम आ। एक्स प्लस थ्री ते एक्स माइनस टू राइट हैंड साइड दे विच दोनों प्रेजेंट आ, दोनों नू वारी वारी देख लियो। पहला मैं एक्स माइनस टू नू शुरू करन लग्या वा, एक्स माइनस टू नू आपां जीरो करना, सिर्फ ये सोचो एक्स माइनस टू जीरो कदों होगा, जदों मैं एक्स नू टू पुट करना होगा। पूरी इक्वेशन नंबर 2 दे विच जिथे जिथे भी एक्स प्रेजेंट आ उत्थे 2 पुट कर दो, पूरी इक्वेशन दे विच लैफ्ट साइड ते फिल कर दो, राइट ते भी फिल कर दो। फिल करन तो बाद इहदा बेनीफिट ये होगा, जीरो मल्टीप्लाई बी करके अपने कोले जीरो बन गया, बी वाली टर्म ही खत्म होगी, सिर्फ ए वाली टर्म बचती है। सिंपलीफाई करके आ गया 7 = 5 ओ ए, 5 लैफ्ट ते आके डिवाइड हो जूगा, ए दी वैल्यू फाइंड होगी 7/5, ए फाइंड हो गया बी रह गया। एक होर प्रेजेंट सी अपने कोले एक्स प्लस 3, ए जीरो तां होगा जदों एक्स नू आपां माइनस 3 पुट करांगे, एक्स नू माइनस 3 पुट कर दो पूरी इक्वेशन दे विच, लैफ्ट साइड नू सिंपलीफाई करके माइनस 3 बन गया, राइट साइड दे विच ए वाली टर्म जीरो हो गई, दूजा बच गया माइनस दा 5b, इहनू सिंपलीफाई करके आपां नू बी फाइंड हो गया 3/5। ध्यान रखियो जदों आपां लैट कीता सी सिर्फ ए ते बी प्रेजेंट ने उत्थे, एवें ही रखे हुए, तुसीं इत्थे कुछ होर भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, सौखा मैं लिखिया होया वा कैपीटल लैटर दे विच ए ते बी। जदों ए बी सारे फाइंड हो जाणगे जिथे लैट किया वा उत्थे पुट कर दिओ, पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। लैफ्ट हैंड साइड तो अपनी स्टेटमेंट ही है, ए की जगह पर 7/5 फिल कर दिओ, बी की जगह पर 3/5 फिल कर दिओ, ये अपना आंसर आ। स्टेटमेंट दे विच सिंगल फ्रैक्शन सीगी, इहनू आपां तोड़ के 2 दे विच कन्वर्ट करता। अगर आंसर दा दोबारा तो फिर एलसीएम तुसीं करोगे 100% स्टेटमेंट बनूगी। बस ये मैथड आ पूरे चैप्टर का, सारे ही क्वेश्चन इहदे नाल ही होणगे, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो च करदे हां।